अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, और आई मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। आप आसपास की बिल्डिंग देख के या ये रोड देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि आपका भाई इस वक्त मदीना में मौजूद है, वो भी अंकल के साथ। अंकल कैसे हो आप? तभी से ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त। तो कैसा आपका मौसम पहले बताइए, यहाँ का गर्मी ज़्यादा? अभी आज गर्मी ज़्यादा है। अच्छा, गर्मी आज ज़्यादा है। टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री पे है। अच्छा 40 डिग्री यार, वैसे अभी यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप धूम में निकलेंगे तो आपको लग पता जाएगा। खैर यह है कि वैसे मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ था, 2 वीक पहले काफ़ी बारिशें भी हुई। बारिशें बहुत तूफानी बारिश हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही अब उनका असर जो है वो आ रहा है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि यार लास्ट टाइम जब हम आए थे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपडेशन हो चुकी हुई है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये क्रीम्स की बाइक, ठीक है, आप ये क्रीम की बाइक यूटिलाइज़ करें, ठीक है, स्कैन करें, आप इनको यूटिलाइज़ करके कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पे भी ये आप क्रीम की बाइक छोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट एक फ्रेम आपको नज़र आ जाएगा, उसके बाद एक और फ्रेम है, सेल्फीज चल रही हैं, लोग पता नहीं क्या इबादत के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए लोगों को। खैर यह है कि क्योंकि मैं खुद भी वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं मदीना और हम अपनी इबादत से फ्री हो चुके हैं, क्योंकि हम सुबह आए थे तकरीबन 9 बजे, मेरा ख्याल 9-10 बजे हम आए थे, हमने जुमा की नमाज़ अदा की है। और सबसे मज़े की बात यह है कि रश बहुत ज़्यादा होता है जुमे वाले दिन, तो कोशिश करें आप तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले पहुँच जाएँ। हाँ बिल्कुल, जुमे वाले दिन स्पेशली 10 बजे हरम के अंदर बंदा को होना चाहिए, अगर उसने सही सुकून से अंदर नमाज पढ़नी है। अगर बाहर खज्जल खारी करनी है फिर उसकी मर्ज़ी है, जिसका मर्ज़ी है। बिल्कुल ऐसी है, पर टाइम पे ना पहुँचे। तकरीबन जुमा होता है यहाँ पे तकरीबन 12:30 पे, एग्जैक्टली ऐसी जमात खड़ी हो जाती है और खुतबा स्टार्ट होता है 12:15 दिन में, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है ना, आगे पीछे भी होता है। अच्छा, जैसे जैसे दिन ऊपर नीचे जाएंगे तो टाइम चेंज होता है हमेशा। अच्छा, सारी यही नहीं कि यहाँ पे सारी मस्जिदों में जितनी मस्जिदें उनका टाइम ऊपर नीचे जाता है। बिल्कुल ऐसी है, एक घंटा। बिल्कुल ऐसी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, ठीक है, जिसे जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि वो आप सल्लम के जहाँ पे अब अभी जा रहे हैं कब्र मुबारक से जो मिंबर तक का जो हिस्सा है उसको आप कहेंगे रियाजुल जन्ना। और अभी हमें अपॉइंटमेंट मिल गई है, नुसुक एक ऐप है NUSUK, उस पर आप जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपॉइंटमेंट दिखा नहीं रहा होता, तो बस उसकी भी एक कहानी है, बस आप स्क्रॉल करते रहे, आगे पीछे टाइमिंग देखते रहे। वैसे भी हमने जो बुकिंग की थी वो 2 हफ्ते पहले की थी, क्योंकि जुमे वाले दिन हमें पता था रश ज़्यादा है, वीकेंड है, तो इस वजह से। तो आप भी अपॉइंटमेंट 15-20 दिन पहले करके रख लें, ऐसे ही अंकल? बिल्कुल ऐसे। तो अभी बेसिकली हमने जाना है वज़ू वगैरह करके, इंशाल्लाह आप रियाजुल जन्ना की तरफ जाए। लेकिन बैठने नहीं दे रही है, 39 नंबर वो ले। Yeah.
क्योंकि वो जगह बनी है आपकी फ्लैट هنا يا اخوان يا شيخ من هنا من هنا بارك الله فيك هنا 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 तो अलहम्दुलिल्लाह यार रियाजुल जन्ना का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और बड़ा मज़ा आया। ठीक है, अभी सो के मैं उठाऊँ क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो ओबियसली सो के मैं उठाऊँ तो मुझे वज़ू के लिए जाना पड़ेगा ओबियसली। सो नुसुक पे आप जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नुसुक NUSUK के रबात के नाम से है। ठीक है, लिखा होगा वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करें। कभी कभी डेट नहीं शो कर रहा होता, लेकिन कभी कभी कर भी रहा होता है। ठीक है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि ओबियसली हर बंदा ट्राई कर रहा होता है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए। खैर ये है कि उसके बाद अपॉइंटमेंट हमें मिल गई टाइम पे पहुंच के। रिस्ट्रिक्शन है, वो चेक करते हैं कि मतलब कि अपॉइंटमेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद माशाल्लाह अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्टे करवाते हैं, जमजम पिलाते हैं, बड़ा पोलाइटली ट्रीट करते हैं, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप रियाजुल जन्ना में आपको दाखिल कर दिया जाता है। और उसका एहसास ही अलग है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके अलावा जितने देर मैं रुका, हाँ अपॉइंटमेंट आप ऐसे बुक करो जैसे नमाज के वक्त, जैसे मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी 3 बजे की। ठीक है, 3:40 पे अजान हुई है, यानी 20 मिनट आप अंदर रहते हो, तो उस 20 मिनट के अंदर आप थोड़ा सा टाइम इधर उधर करके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, तो जमात भी आपको रियाजुल जन्ना में मिल जाएगी। ये एक प्लस पॉइंट बन जाएगा आपके लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये 334 नंबर गेट के बिल्कुल सामने मदीना की कुछ बसेस चलती हैं। ठीक है, जो कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट आती हैं, 16 रियाल लेती हैं। ठीक है, और वो आपको डायरेक्ट मदीना एयरपोर्ट से यहाँ पे 334 नंबर गेट के बिल्कुल सामने उतार देंगे। तो वहीं से आप कहीं पे आगे पीछे होटल ले सकते हो और इजीली ख़ुद को मैनेज कर सकते हो। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। अब चलते हैं अंकल से मिलने। तो यार ये देखें माशाल्लाह मदीना के अंदर कैसे पानी सर्व किया जाता है। और ये बेसिकली एक इन्होंने बैग लिया हुआ है और इसके साथ ही पानी सर्व किया जाता है। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी कूलर आपको मिल जाते हैं आस पास, कोल्ड वाटर और सादा पानी दोनों ही मिल जाता है। अभी जाना है हमने गेट नंबर 37। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे पानी पिला रहे हैं ये बैग के थ्रू। वैसे ये कहाँ पे जाके आप पानी पिलाओगे? वैसे रियाजुल जन्ना में वो। अच्छा ठीक है, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम अभी आए हैं मस्जिद नबी से। और अंकल ने दाना लिया है कबूतरों को डालने के लिए। यार अंकल थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए था यार, थोड़ा थोड़ा आ गए। वो आ गया 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 आ गया।
कबूतरबाजी थोड़ी हो रही है यहाँ से। तो यार गाड़ी हमारी हो गई ख़राब, तो स्टीयरिंग व्हील काम नहीं कर रहा था प्रॉपर वे में, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी हुई है। ये हमारे भाई लेवल के मियाँ, अब मतलब के कुछ सेटमेंट हो गया है यार।